हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और ये है मॉर्निंग का टाइम और आरुष के लिए मैं टिफ़िन बना रही हूँ, जिसमें मैंने सैंडविच बनाया था। स्टफिंग में आलू डाला था और पनीर डाला था। आरुष को पसंद है, वो आराम से ईजिली खा लेता है वो। और यहाँ पे आरुष के पापा रूम में सोए हैं, तो वो फिर पापा को बाय बोलने गया है स्कूल जाने से पहले। बाय 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 गो। गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। और आरुष को स्कूल से छोड़ के आई थी, उसके बाद फिर मैंने चाय पिया था, उसके बाद घर के कुछ काम निपटाए थे जो भारी थे। उसके बाद मैंने अभी योगा और एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करती हूँ, फिर मैं योगा करती हूँ ताकि रिलैक्स फील होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप योगा कर लो और बाद में एक्सरसाइज करो तो फिर वो भागम दौड़ वाली पूरी हलचल मची रहती है। इसलिए क्योंकि मुझे ना, एक तो मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मुझे ना कुछ कुछ बातों के लेके मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। तो अब भैया ये स्ट्रेस वाली लाइफ नहीं चाहिए मेरे को। बात कोई बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी सी बात होती है, उसको भी लेके इंसान बहुत स्ट्रेस लेने लगता है। और सबसे मेन बात क्या है ना कि जो हाउसवाइफ है, जो होम मेकर है, अगर वही अगर हेल्दी ना रहे, सही ना रहे, स्ट्रेस फ्री ना रहे, उसका माइंड अगर फ्री ना रहे, तो फिर उसके कंधों पे ना पूरे परिवार की जो जिम्मेवारी होती है ना, वो जिम्मेदारी होती है पूरे परिवार की। हस्बैंड तो चलो ऑफिस जाते हैं, बाहर लोगों से मिल लेते हैं, बहुत तरह की चीज़ें, लेकिन वाइफ घर में रहती है, उसको तो बस बिल्कुल कूल माइंड होके, मतलब उसको रिलैक्स होके रहना चाहिए। तो मैं बस यही सोच रही हूँ ना कि मुझे ना अब मतलब कि किसी की बातें बकवास नहीं सुननी है, मुझे किसी के फालतू पचरों में नहीं पड़ना है। बस मुझे ना स्ट्रेस फ्री वाली लाइफ चाहिए ताकि मैं अपने बच्चे पर, अपनी फैमिली पर फोकस कर सकूँ। तो इसलिए मैं अभी, और मैं अपना वज़न भी कम करना चाहती हूँ, तो मैं थोड़ी बहुत डाइटिंग भी कर रही हूँ। प्रॉपर डाइटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि प्रॉपर डाइटिंग से फिर क्या होता है ना, स्किन ख़राब होती है, हेयर फॉल होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो मैं प्रॉपर डाइटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं डाइटिंग थोड़ी बहुत कर रही हूँ। और साथ में मैं 1 से 1.5 घंटे जैसे टाइम मिलता है, कभी हाफ एन आवर भी हो जाता है, कभी 45 मिनट भी, कभी 1 आवर भी हो जाते हैं, तो ऐसे मैं करती हूँ सारी चीज़ें जो अभी मैं अपने पे फॉलो कर रही हूँ। और ये है, आरुष स्कूल से आता है तो वो फ्री होके थोड़ी देर पूरा एकदम धामक चौकड़ी जो होता है ना, वो घर में मचाता है पूरा उसको। तो मैं भी छोड़ देती हूँ, स्कूल से आया है घर में इतनी देर बाद, तो चलो उसको जो करना होता है मैं उसको छोड़ देती हूँ। फिर मैं उसको रिलैक्स होने के बाद मैं नहाती हूँ ताकि उसको अच्छा से रिलैक्स फील हो। और खाने में मैंने एक कढ़ी बनाया था, एक कढ़ी मैंने पहली बार कुकर में बनाया था, तो बहुत अच्छा बना था। मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया, वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ कैंटीन कंपनी में ना ऐसे ही एक कढ़ी मिलती है, तो मुझे नहीं पसंद आया। बट मुझे ना झटपट वाली बहुत पसंद आई। वैसे भी खाना बनाने में मेरे को टाइम नहीं लगता, बस उसके प्रिपरेशन करने में मेरे को ज़्यादा टाइम लगता है, बनाने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता मेरे को। तो बस यही है, तो बहुत अच्छी एक कढ़ी बनी थी, बट इनको नहीं पसंद आया, वो अलग चीज़ है। और उसके बाद फिर खाना वाना खाने के बाद, अभी देखो जब मैं, हम लोग दोपहर में आराम करने आए थे ना 2-2.5 बजे, उस टाइम में देखो इस साइड जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इधर जो ये साइड है ना, ये बेंगलोर साइड पड़ता है, तो इधर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। और जिधर आप लाइट देख रहे होगे ना, वहाँ पे ये पौंडीचेरी साइड है, तो यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी। तो ये वाली चीज़ है, निकाल लो, जो बॉलिंग करते हैं ना वही निकालते हैं ये बॉल। हाँ तो निकालो निकालो। क्या चाहिए आरुष? तो अभी क्या था, क्या बोल रहा था तुम, क्या चाहिए? नहीं अभी, हाँ न्यू साइकिल चाहिए। हाँ। बेचारा आरुष बॉलिंग करो, बैटमैन खड़े हैं। अपोजिट पार्टी है, आरुष ऐसे फील्ड में चीयर अप कर देगा बॉलिंग से। नहीं पर्दा हटा दो, फिर बॉल नीचे चला जाएगा बेटू। बुग्गी बॉल नीचे चला जाएगा। बताओ, ऊपर भी क्रिकेट चल रहा है, नीचे भी क्रिकेट चल रहा है। ये आखिरी उम्मीद है बाल की।
और दिन में हमने रोटी खाई थी, तो हस्बैंड ने कहा था कि रात में चावल ही बना लो, क्योंकि एक एक कड़ी मैंने इकट्ठे बना लिया था दोनों टाइम के लिए, और आरुष को एक नहीं खाना था, तो उसको ये नहीं पता है अभी तक कि ऑमलेट एक का ही बनता है, उसको ये अभी तक पता नहीं है, उसको एक नहीं खाना था बट उसको ऑमलेट खाना था, तो मैंने उसके लिए एक अंडे का ऑमलेट बना दिया था। तो कुछ उसके ऑमलेट में मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, प्याज मिर्ची हरी धनिया कुछ भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि उसके मुँह में क्रंची आता है तो फिर वो नहीं खा पाता, तो इसलिए सिंपल नमक डाल के मैं उसका ऑमलेट बना देती हूँ। तो मैंने वही उसके लिए एक अंडे का आमलेट बनाया था, और उसके बाद फिर हम लोगों का खाना वाना हुआ था, क्योंकि दिन में तो मैंने इकट्ठे एक करी बना लिया था, तो फिर इसलिए कुछ रात में ऐसे स्पेशल बनाने की ज़रूरत नहीं थी, बस सैलेड काट लिया था और चावल बना लिया था। तो ये था हमारा खाना, और आरुष ने पूरा चावल उवल उसको खाना नहीं था, लेकिन वो पूरा लेकर ड्रामा करता है, और ये हमारा सैलड, सैलड तो हम लोग भरपूर खाते हैं, मतलब जितने अगर वेजिटेबल्स खीरा गाजर प्याज जो भी मिले हम लोग भरपूर खाते हैं, और ये आरुष ने एग खाया उसके बाद उसने छोड़ दिया, और मैंने लिया है 3 एग, मुझे एग करी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं एग करी भरपूर खाती हूँ, और ये आरुष ने इतना चावल लिया उसको खाना नहीं है, बस ड्रामा करना है, मेरे को पता है ये चीज़। तो बस यही था हमारा आज का ब्लॉग, और इसको बस फ़ोन देख, मेरा फ़ोन तो हमेशा लेके बैठा ही रहता है वो, उसको देखने के लिए। आई थिंक अभी मैं अपने फ़ोन से शूट कर रही हूँ तो वो पापा का फ़ोन देख रहा है। तो बस यही था। उसके बाद आज था आरुष के स्कूल में ओनम सेलिब्रेशन, जो यहाँ पे मनाया जाता है ओनम फेस्टिवल, तो वही रंगोली वगैरह था, उसके टीचर्स वगैरह, जो मैं फ़ोटो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, प्लीज़ मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं बार बार सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलती। और उसके बाद फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। ये सब आरुष के येलो साड़ी में जो है वो आरुष की क्लास टीचर है। तो फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।